एस्पिरेंट है, एसएससी एस्पिरेंट है, टॉपिक है आप आज का जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है जब भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो ऐसे सारे क्या सिली मिस्टेक्स है, छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से वो सारी मेहनत आपकी पानी में चला जाता है। क्योंकि आपको पता है अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, जो जितना मेहनत किया और जितना सालों की आपकी लगन सैक्रीफाइस, फैमिली के सैक्रीफाइस, वो बिल्कुल पानी में मिल जाता है। तो ऐसे क्या चीज़ है हम उसको ध्यान में रखना चाहिए, ये ऐसे इतना सारे पॉइंट्स है मैंने लिख के रखा है, तो इससे ज़्यादा कोई भी पॉइंट्स नहीं होगा, आप किसी का भी वीडियो देख लो। शुरू करते हैं टॉपिक। पहले पॉइंट है कि ऑनलाइन रैली और गो टू डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर। जब भी कोई आपकी फॉर्म नोटिफिकेशन आउट होता है, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे, वोमेन मिलिट्री पुलिस WMP का फॉर्म निकला है, ठीक है, इसमें पहले आपको चेक करना है कि WMP का क्या है, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हो रहा है या ऑफलाइन रैली में जाके डायरेक्ट हो रहा है। आजकल रैली बंद हो चुका है, आपको पता है रजिस्ट्रेशन पहले करना होता है, तो ऑनलाइन बनना है। तो क्या करना है, आपने सीधा उठा किसी की बातों पर जो डॉक्यूमेंट्स है, सीधा जाना है आपने जो ऑफिशियल साइट है या फिर जो भी प्रोस्पेक्ट है आपकी, मान लीजिए इसका जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्ट आया होगा ना, तो उसमें एक सेक्शन होगा गो टू डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आया होगा ना, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जनरल इंस्ट्रक्शन सिप, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर पेमेंट सैलरी अग्निवीर का कितना पैसा मिलेगा, उस चीज़ों को छोड़ के थोड़ा नीचे आना है और नीचे स्क्रॉल करके देखना है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होना है मुझे, उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है। ये हो गया आपका फर्स्ट काम। सेकेंड काम क्या हो गया, आपकी फोटो, उसमें फोटोज में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट दिया होगा आपका। क्या गलती करते हो आप, जैसे 32 KB का फोटो अपलोड करना है तो आप क्या कर देते हो, उधर ज़्यादा अपलोड करने की कोशिश करते हो, ठीक है, लेकिन क्या ज़्यादा तो वो लेता नहीं, लेकिन आप क्या करते हो, जैसे मांगा है व्हाइट बैकग्राउंड, मांगा है व्हाइट बैकग्राउंड, आप क्या दे दिया उसमें रेड करके डाल दिया, क्योंकि मैं स्मार्ट दूंगा, थोड़ा हैंडसम दिखूंगा तो एक आधा लड़की पड़ जाएगा, इसकी चक्कर में मजा कर रहा हूँ, इसके चक्कर में क्या कर रहा, आप रेड डाल के दे दिया, तो क्या करेगा वो, फॉर्म तो ले लिया लेकिन आपका क्या होगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसको फोटो एक ऐसा चीज़ है, इस पर ध्यान दें, मैक्सिमम बैकग्राउंड इसका नीला कलर का, पीला कलर का, जो भी जैसे मांगता है, व्हाइट जो भी मांगता है, उस फोटो वाले शॉप को बता दे भाई जो भी है यही बना दे बस, फालतू उसमें एडिटिंग करने की कोशिश नहीं करना। कंप्यूटराइज्ड फोटो किसी को कॉपी करके लेके नहीं जाना, रियल फोटो खींचना, उसका प्रिंटआउट निकालना और लेके जाना, समझ गया, फोटो जितना केबी का मांगा है। और बैकग्राउंड पे हमेशा ध्यान रखना, आपकी जो बैकग्राउंड है वो चेंज होता है, इसलिए ये फोटो रिजेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद एक आता है अटेस्टेड आता है, जैसे मार्कशीट, उसने बोला होगा कि ये जो मार्कशीट आपका कोरोना का सर्टिफिकेट है, ये अटेस्टेड होगा मेडिकल ऑफिसर से, आपका जो भी गवर्नमेंट मेडिकल है नज़दीक। आप क्या करते हो, इसमें प्राइवेट वाले किसी को पकड़ा जो BSc नर्सिंग कर रहा है, उसको बोला तो ठप्पा मार दे इसमें, उसके पास स्टाम्प है, उसने मार दिया, बाद में ये फॉर्म रिजेक्ट हो गया। या फिर आपको बोला ये गेजेटेड ऑफिसर से साइन करना है, एक IAS लेवल का ऑफिसर से अटेस्टेशन करके लाना है, तो इसमें क्या करते हो आप किसी से भी पकड़ के सरपंच से अटेस्टेड करवा के ले जाते हो, तो इस केस में आपका जो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म बाद में। तो आपने क्या करना है, जिसका भी मांगा है, अगर गजेटेड ए ऑफिसर, बी ऑफिसर, सी ऑफिसर, अगर आपको नहीं पता चल रहा है लेवल क्या क्या है, नीचे कमेंट कर देना, जब भी फॉर्म आएगा या अभी कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन गलत फॉर्म नहीं बनना है। तो क्या करना है, जिसका भी अटेस्टेड मांगा है उसी का ही अटेस्टेड स्टाम्प लगाइए, और उसको जो जेरेक्स कॉपी कवर है उसको अटेस्टेड करके उसमें स्कैन करके उसमें ऑनलाइन फिलअप करिए, समझ गए आप। तीसरा पॉइंट आपका खत्म हो चुका है, चलिए चौथा पॉइंट, ओवर राइटिंग ऑब्लिक करेक्शन मार्कर। ये क्या होता है, जैसे आजकल तो चलो ऑफलाइन नहीं है, अगर ऑफलाइन में भी फॉर्म भर रहे, कोई SSC का भी है और बाकी जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं, NDA का, किसी का भी, अगर कोई भी वो बोल रहा है कि कुछ इसका प्रिंटआउट निकाल के आपने खुद सिग्नेचर मान के दो, ठीक है, आपने प्रिंटआउट निकाल लिया, ठीक है ना, आपने उसके बाद क्या किया, आपकी सिग्नेचर की जगह साइन कर दिया, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा सा गलती हो गया, आपने इसको ओवर राइटिंग कर दिया, ऐसे करके फिर स्कैन करके डाल दिया, वो चला गया, बाद में क्या हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए उधर 50 सीट है, मान लीजिए 50 लाख एप्लीकेशन आता है आज की डेट में, आप मानो या ना मानो, ठीक है, तो इसके चक्कर में इतना टाइम नहीं है कि सारी चीज़ आपका चेक किया जाए, इसलिए सबसे बढ़िया है आपका अगर ये गलत हो गया उसको बोलो भाई 20 रुपये लगेगा, और एक प्रिंटआउट निकालिए, साइन प्रॉपर करिए, सिंगल करिए और उसको फर्स्ट क्लास स्कैन करके भेजिए, उसमें गलती नहीं करना है। उसके बाद मिसमैच, ये पॉइंट आपका खत्म हो गया। उसके बाद हो गया मिसमैच क्या है, सॉरी इसमें और एक चीज़ें रह गया, जैसे एक व्हाइटनर आता है, समझ गए, ऐसे वाला एक व्हाइटनर आता है, उसमें कुछ लिखते हो ना उसको ऐसे लगा दो, फिर उसके ऊपर लिख सकते हैं, वो कभी भी यूज़ नहीं करना, वो पता चल जाता है उधर कि आपने व्हाइटनर यूज़ किया हुआ है, अगर व्हाइटनर यूज़ किया हुआ है तो उसमें भी आपको रिजेक्शन होने का पूरा चांसेस है, तो प्लीज़ ऐसे मिस्टेक नहीं करना है। उसके बाद देखेंगे मिसमैच क्या होता है, आपको जैसे एक सर्टिफिकेट में एक आधार कार्ड मान लीजिए, इसमें है 12/6/96 और उसमें दूसरे में वोटर आईडी कार्ड में 13/7/97, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस में 14/7
98, भाई ये क्या है, ये तो मतलब ये मिस्टेक ही है, इसमें आपका नौकरी कहीं नहीं मिल सकता आपको। तो इसका कोशिश करिए आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें मिसमैच ना करें। अगर आपका पैन कार्ड में 96 है तो आपके आधार कार्ड में भी 96 होना चाहिए। आपका जो इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं या इंडियन डिफेंस फोर्स में जाना चाहते हैं, आपकी दो चीज़ें पासपोर्टर होता है उधर, एक होता है आपका आधार कार्ड, एक होता है आपका क्या होता है पैन कार्ड, ठीक है। बाकी जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ये गलत है तब भी चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दोनों कार्ड, आपका सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड, तीनों चीज़ का डेट ऑफ बर्थ, तीनों का तीनों अगर ये सही है आपका तो 12/6/12 ये आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। ये सेम होना चाहिए आपका, समझ गए। मिसमैच आपका कोई भी चीज़ में होना नहीं चाहिए। अभी बात करते हैं आपकी, जैसे नेम में मिसमैच होता है ना, आपके फादर मदर के मान लीजिए, फादर का नाम इधर मान लीजिए कोई भी राम है और किसी की जगह REM है, तो ये मिसमैच आपका नहीं होना है। ये मिसमैच आप सही करके जाना, जब भी आप अप्लाई करेंगे उससे पहले ठीक कर लो, या अभी टाइम मिल रहा है अभी डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो, उस टाइम टाइम नहीं मिलेगा, पढ़ाई पे फोकस करना है तो डॉक्यूमेंट्स अभी सही कर लो, ये मिसमैच नाम में नहीं होना चाहिए, समझ गए आप। चलते हैं रीचेक, उसके बाद हो जाएगा ये साइबर कैफे में आप जाते हो अप्लाई करने के लिए, आजकल वो सारी चीज़ कर देता है आपका 150 रुपया, कोई बैठा होगा मेरे जैसा 150 रुपया लेके आपके सारी चीज़ वो कर देते हैं। लेकिन आप क्या करते हो, उनकी भरोसा में बोलते हैं ठीक है कर दिया, थैंक यू बोल के पैसा दे के आ देते हो। गलती नहीं करना, नौकरी आपने करना है, लड़ाई आपने लड़ना है, लाइफ आपकी बनना है, उससे उसको 150 रुपये से मतलब है आपका हो गया, उसको फिर नेक्स्ट कस्टमर को डील करना है। आपने क्या करना है, रीचेक बाय इंडिविजुअल, आपने इंडिविजुअल खुद चेक करना है हर चीज़, उसके पास बैठो, जब भी वो फॉर्म भरता है उसमें देखो सही भर रहा है कि नहीं। अंधा जैसा उधर व्हाट्सअप में या फिर फेसबुक मैसेंजर या इंस्टाग्राम में चैट नहीं करना है, उस टाइम जो भी आप 15-20 मिनट लगेगा कहीं अपने बॉम्ब गिराने नहीं जाना है, आपने जाना है उधर देखना है भाई हाँ तू जो भर रहा है सही भर रहा है उसको देखना है, उसकी कोई कुछ नहीं हो जाएगा, कल फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो आपकी गलती आपकी नुकसान है, उसको क्या करना है, उसका तो फिर आप आ जाओगे बाद में, फिर करेक्शन करोगे, आप नहीं आओगे 10 और आएंगे, समझ गए। इंडिविजुअली हर एक लेटर के मायने रखता है, हर एक लेटर चेक करना है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद आता है ईमेल चेक, आपने जो ईमेल दे दिया, आपकी जो मर्जी है ईमेल दे दिया, या फिर आपका ईमेल नहीं है, जो साइबर कैफे को बोल दिया भाई की ईमेल खोल दिया, उसने ईमेल खोल दिया, पासवर्ड खोल दिया, आपको डाल दिया, फॉर्म चला गया, बाद में आप ईमेल भूल गए, पासवर्ड भूल गए, तो वो ऐसे चीज़ें नहीं करना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो अभी खोल लीजिए, कोई बड़ा वाला काम नहीं है, 2 मिनट का काम है, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और ये जो ईमेल है आप उसको रन करना चाहिए, मतलब ये चलना होना चाहिए, ये नहीं कि भूल गए आप, क्योंकि जब भी आप फॉर्म अप्लाई करोगे आपका कोई भी अगर वो देता भी है कि आपका भाई ये ठीक नहीं है तो आपका वो ईमेल पे भेजेगा, ना कि आपको कॉल नहीं करेगा, सर आ जाओ थोड़ा सा हेल्प कर लो हमारे को, उधर कोई इतना टाइम नहीं है किसी के पास, आपको ईमेल कर दिया जाएगा कि भाई आपका ये एडमिट कार्ड आ चुका है या फिर आपका ये फादर का नाम ऐसे होकर रखा है, अगर उसने करना भी है, पहले तो करेंगे नहीं, रिजेक्ट ही कर देंगे, अगर उसने करना भी है चलो ठीक है आपकी बहुत लकी थे आपको करना भी है, तो आपको ईमेल में आएगा, ना कि आपको कोई कॉल करेगा, समझ गए आप। तो ईमेल आपका सही होना चाहिए, जो भी चल रहा है उसको मतलब वही सिर्फ देना है, उसमें जहाँ पे रजिस्टर करते हैं स्टूडेंट लॉगिन में ईमेल भी चाहिए होगा ना, ईमेल और मोबाइल नंबर सेम, मोबाइल नंबर ये नहीं कि उधर दे दिया 955 वाला, ठीक है, अरे सॉरी मेरा नंबर लिख रहा हूँ सॉरी, तो ये मोबाइल नंबर दे दिया और फिर बाद में क्या 1234 दे दिया और बाद में आप भूल गए, ये बोला ठीक है यार गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया या बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, नंबर चेंज कर देता हूँ 5678 वाला ले लेता हूँ, ये ले लिया और उसमें उन्होंने मैसेज किया कि भाई 19 तारीख को आना है, आपका एडमिट कार्ड आ चुका है और आके इस ग्राउंड में आपने रैली देना है, आपका तो नंबर है ही नहीं, नंबर बंद कर दिया, ये नंबर 90 दिन के बाद किसी और को मिल जाएगा, उसके नंबर पर मैसेज जाएगा, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है, ईमेल और मोबाइल इसको सेफ रखना है, जो चल रहा है उसको चलने देना है। उसके बाद नेग्लिजेंसी, ठीक है मेरा डॉक्यूमेंट हो जाएगा, देख लूँगा, कल कर लेंगे, परसों चले जाएंगे तहसील में, कौन जाएगा अभी, देखिए ये सारे चीज़ नेग्लिजेंसी अभी मत करो, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है अभी इसके चक्कर में आप एग्जाम के टाइम में, जब एग्जाम आ जाएगा अभी अग्निवीर स्टेज 1 खत्म हो चुका है, अग्निवीर स्टेज 2 अभी जनवरी से शुरू हो जाएगा, तो सारे का एक बार दोबारा भर्ती आएगा, एयरफोर्स आर्मी SSCGT सारे का, टेक्निकल क्लर्क XY AA अपेंटिस SLR सारे का अग्निवीर स्टेज 2 चलेगा अभी, तो स्टेज 2 में क्या होगा, आप इसके पीछे भागोगे, तहसील के पीछे भागोगे, सरपंच के पीछे भागोगे, इससे अच्छा अभी टाइम में अभी कोई वैकेंसी नहीं है, इस टाइम में अपना जो भी है क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड है, आपको पता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर का मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो कल डाल दूंगा, उससे पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए आपने क्या करना है उसको रेडी करके रखना है, उस टाइम आपने सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, फिजिकल में फोकस करना है, बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपका ओके, उसके चक्कर में अपने टाइम बर्बाद नहीं करना उस टाइम, ओके।
चलते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है या कुछ वैल्यू मिल रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और लगे यूजफुल ये चैनल आपके लिए कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। डबल अप्लाई, नेक्स्ट डबल अप्लाई क्या होता है, मान लीजिए आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एयरफोर्स का एक्स ग्रुप अप्लाई किया, आपने क्या किया इसमें कुछ रिजेक्ट के कारण, मतलब उसने बोला कि कुछ आपका उसमें गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है आपने पता नहीं किया, आप आए फिर इस फॉर्म को कैंसिल करके दोबारा उसने अप्लाई कर दिया, जबकि उसने नहीं बोला था कि ये अप्लाई करने के लिए, उसने बोला था आपके टेंथ का सर्टिफिकेट स्कैन ठीक नहीं है, उसको ठीक करके सेम एप्लीकेशन में भेजिए, आप उसको पढ़े नहीं, आप साइबर कैफे की बातों में आ गए, उसको 150 रुपया और दे दिया, वो गया दोबारा उसको अप्लाई कर दिया, करने के कारण आपके नाम पे, जैसे किसी का भी नाम ले लेते हैं मीनाक्षी, इनके नाम पे 1 और 2 दोनों फॉर्म हो गया, दोनों का अलग एप्लीकेशन नंबर हो गया, नाम सेम हो गया, फादर्स नेम सेम हो गया, मदर्स नेम सेम हो गया, क्या करेंगे डिफेंस वाले, रिजेक्ट करके आउट कर देंगे, ज़्यादा स्मार्ट बनोगे तो रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, तो स्मार्ट नहीं, ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, आपने डबल अप्लाई नहीं करना, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया अप्लाई एप्लीकेशन, पहले पता करिए क्यों, व्हाई रिजेक्ट, वो आता है नीचे करके कि इस कारण आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, तो उस चीज़ों को ठीक करिए। अगर नहीं होता है, अगर उसने बोला कि फ्रेश अप्लाई, ठीक है, या फिर फ्रेश अप्लाई या फिर री अप्लाई, ठीक है, री अप्लाई या फिर फ्रेश अप्लाई करिए, तो आपने क्या करना है, री अप्लाई करना है या फिर फ्रेश और एक अप्लाई करना है, लेकिन अगर उसने बोला है कि सिर्फ आपने टेंथ का जो सर्टिफिकेट है वो क्लियर विजन नहीं है, इसके लिए आप टेंथ का सर्टिफिकेट दोबारा स्कैन करके भेजिए, तो सिर्फ टेंथ का सर्टिफिकेट साइन करके दोबारा स्कैन करके भेजना है, ना कि डबल भेजना है, डबल भेजने से डबल एप्लीकेशन हो जाएगा और आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। इसके बाद आते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अदर सर्टिफिकेट, उसके बाद आपकी फादर मार्टियर और एक्सेप्शन, इसको मैं समझाना चाहूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, आपको पता है एनसीसी ए बी सी, ठीक है, ए बी सी होता है, बी और सी वालों का आपको पता है रिटेन इनका लागू नहीं होता है, फिजिकल कर लिया जीडी में तो डायरेक्ट एंट्री है, ए बी को 5 और 10 मार्क मिलता है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में आपको, अगर स्पोर्ट्स एंट्री है तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला है, स्टेट लेवल खेला है, अगर उसने मांगा है, ये जहाँ पर आता है ना डॉक्यूमेंट्स में, अगर मांगा है उसने आके आपने अगर स्टेट लेवल खेला है तो आप इसमें अटैच कर सकते हैं, ये वाला फॉर्म अटैच कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर एनसीसी को तो मार्क्स मिलता है, स्पोर्ट्स वाले को तो मार्क्स मिलता नहीं, मैं फालतू में क्यों अपना टाइम बर्बाद करूं? देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे ही आप स्टेट लेवल में, ये चीज़ें कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, जो सर्विस में है या जिसने किया है उसको पता है। अभी देखिए, जो स्टेट है, स्टेट लेवल आपने खेला है, मान लीजिए स्टेट लेवल खेला है, आप राम नाम का लड़का स्टेट लेवल खेला है, और उसने क्या स्पोर्ट्स किया है, उसने वॉलीबॉल खेला है, मान लीजिए उसने वॉलीबॉल किया है, आप जब ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे, मान लीजिए आप सिलेक्ट हो गए, इधर तो आपको एक्स्ट्रा मार्क मिला नहीं, आप जब ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे तब आपका जब डॉक्यूमेंट्स निकलेगा, रिकॉर्ड ऑफ सर्विस जिसको बोलते हैं, आपके नाम पे पूरे रिकॉर्ड्स रहता है, आप कहाँ से क्या क्या किया है, आगे जितने भी सर्विस है, जिन्होंने भी 20 साल 25 साल 30 साल सर्विस किया, सबके सर्विस रिकॉर्ड होता है, उनको सर्विस रिकॉर्ड देखने से पता चल जाता है कि ये सोल्जर कैसा है, अगर इस ऑपरेशन के लिए फिट है या ये काम के लिए ड्यूटी के लिए फिट है तो उससे पता चल जाता है। तो इसमें क्या है, आपको ने देखा, उसमें आपके जो भी होंगे ट्रेनिंग इंचार्ज, उसने देखा कि ये बंदा स्टेट लेवल का वॉलीबॉल खेला हुआ है, आपको बुलाया जाएगा, आपके ट्रायल्स लिया जाएगा। जैसे आप ट्रायल्स दोगे, आप एक मान लीजिए एक अच्छा प्लेयर है वॉलीबॉल में, आपके आप अच्छा मतलब खेलते हैं, क्या होगा, आपको मौका दिया जाएगा आर्मी सर्विस के थ्रू खेलने के लिए, आपको कहीं रेजिमेंट में जाने की जरूरत नहीं, आप ट्रेनिंग सेंटर में रह जाएंगे, और जो किस्सा है ना 75% to 25% वाला अग्निवीर परमानेंट और ये वाला, वो रहेगा नहीं, आप डायरेक्ट उधर परमानेंट हो जाओगे। स्पोर्ट्स वालों को कोई मतलब टेम्पोररी करके आउट नहीं करेगा, आपको पता है स्पोर्ट्स को कितना अहमियत दिया जाता है आर्मी नेवी और एयरफोर्स में। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट स्टेट लेवल खेल के वॉलीबॉल में आर्मी सर्विस में चले गए, आपने फिर जिंदगी भर स्पोर्ट्स ही खेलना है, ठीक है, आर्मी सर्विस इसमें चलते हैं चले गए। आर्मी का सर्विस अलग हिस्सा होता है, जिसको खेलते हैं ना वो सर्विस बोलते हैं उनको, ये आर्मी जॉब नहीं है, ठीक है, जो खेलते हैं उनको सर्विस वाला बोलते हैं। तो क्या करते हैं, आपको परमानेंट, एक तो आपको क्या हो गया, परमानेंट जॉब हो गया, आपकी फैसिलिटीज मिल गई आपको, ठीक है, और साथ में क्या हो गया, साथ में आप क्या करना है, स्पोर्ट्स खेलना है, अपने लिए अपने नाम के लिए खेलना है, तीनों चीज बेनिफिट हुआ। किस वजह से बेनिफिट हुआ, आपने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट उस टाइम अटैच किया था जिस टाइम इसकी जरूरत था, ठीक है, लेकिन अगर उस टाइम अगर आपने अटैच नहीं किया होता, किसी को पता नहीं चलता, शायद आप उस अग्निवीर से 75% में आके घर वापस आ जाते हैं। समझ गए आप, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अदर सर्टिफिकेट अगर उसने कुछ मांगा है, कि जैसे आपने कुछ एक्स्ट्रा काम किया है साइंस लेवल पे, अगर उसने कुछ मांगा है तो दे दीजिए, नहीं मांगा है तो
मत दीजिए। बाद में आगे जो मार्थिया, जिसकी फादर जो मतलब शहीद हो चुके हैं, मतलब बहुत अच्छा काम करके, और जिनके भी भाई जैसे शहीद हुए हैं उनकी सर्टिफिकेट, उसके बाद एक सर्विसमैन, आपके फादर एक सर्विसमैन है, तो उसमें आपको बहुत सारे रिलैक्सेशन मिलता है हाइट में, वेट में, चेस्ट में, तो क्या करना है, ये भी सर्टिफिकेट आपने अटैच करना है। उनको ये इन्फो करना है कि सर मैं ऐसे एक सर्विसमैन का बेटा हूँ या बेटी हूँ, या मेरा फादर मार्टियर है या मेरा भाई मार्टियर है। ठीक है, समझ गया आप? ये आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गया, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। तो बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ गया है लास्ट डे, क्या करते हैं इधर हम, क्या करते हैं, ठीक है, जैसे 5, 12, 23, sorry 22 ये लास्ट डेट है आपका, हम क्या करते हैं इसी को वेट करते हैं, 4 तारीख को जाएंगे आराम से अप्लाई करेंगे, अभी 2 क्रिकेट के टूर्नामेंट खेल लेते हैं। ठीक है, मैं भी ऐसे आपकी तरह ही था, 5 तारीख को जाएंगे लास्ट डेट में, 12 बजे तक टाइम है, अप्लाई करेंगे। आप क्या करोगे, लास्ट डेट को रख लोगे, 4 और 5 को रख लोगे, बोलेंगे लास्ट डेट 5 तारीख है, 4 तारीख में अप्लाई कर देंगे, ऑनलाइन में 2 मिनट ही लगता है। जैसे ही आप 4 तारीख को कैफे में पहुंचते हो, सर्वर होता है डाउन, और क्या होता है 5 तारीख तक सर्वर नहीं चलता है, 2 दिन आपका सर्वर डाउन हो गया, आपकी लास्ट डे खत्म, आपने जो मेहनत किया वो भी खत्म। इसीलिए लास्ट डे तक कभी भी वेट नहीं करना गाइस, आपने क्या करना, जैसे फॉर्म निकला 1, 12, 22 को, आपने सभी पता कर लिया, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो गया, जाइए फॉर्म अप्लाई करिए 3 तारीख तक, ठीक है, 3 से 4 तक जाइए अप्लाई करिए, और उसके बाद अप्लाई करके बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फोकस करिए, बाकी स्पोर्ट्स, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स वाई जेड सब कुछ छोड़ दीजिए, अपना फोकस पढ़ाई पे डाल दीजिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करना, अपने सिर्फ अपना मेल चेक करते रहना, कोई मेल आया, या फिर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आर्मी सर स्टडी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें सारे अपडेट्स आता है, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें भी मैं बता दूंगा कि आपका ये मिस्टेक हो रहा है, ये आने वाला है। तो आपने क्या करना, जैसे एडमिट कराया, डाउनलोड कर लिया, रख लिया, बैठ गए, उसमें पता चल जाएगा आपका एडमिट कार्ड में कौन सी डेट में होने वाला है, कौन सी ग्राउंड में है, कितने बजे पहुंचना है, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है, समझ गए एडमिट कार्ड का। तो ये चीज़ें नहीं करना है गाइस, जब भी फॉर्म आता है 2-3 दिन के अंदर आप अप्लाई करके मतलब उसको बैठ जाइए। अभी बताए ना, अगर लास्ट दिन में अप्लाई करते हैं क्या 100 रुपये का डिस्काउंट मिलता है क्या आपको, नहीं मिलता है ना, सेम होता है, चल लास्ट दिन कर लो, 5 दिन कर लो। तो इस हिसाब से आपने क्या करना है, 2-3 दिन के बाद अप्लाई कर देना है, लास्ट दिन तक वेट नहीं करना है। उसके बाद DD/चालान ड्राफ्ट, बैंक का एक आपको चालान काट के देता है ना, अभी आजकल सारे पैसे लगने लग गए, ऐसे तो लेना नहीं चाहिए यार, डिफेंस एस्पिरेंट सारे गरीब फैमिली से आते हैं, पता नहीं गवर्नमेंट का क्या रूल है। जैसे आपको 100 रुपया देना होता है, ठीक है, आपने क्या किया, साइबर कैफे ने बोल दिया मैं इंटरनेट बैंकिंग से पे कर दिया, ठीक है, तो आपने क्या करना, उसकी बातों पर नहीं आना, आपने क्या करना, उसको बोलना रसीद दिखाओ, एक प्रिंटआउट निकालो उसको, उस प्रिंटआउट को अपने पास रखना है, उसमें ट्रांजेक्शन ID होता है, ट्रांजेक्शन आई डी कब आता है गाइस, पता है आपको, ट्रांजेक्शन ID तभी आता है जब वो पेमेंट सक्सेसफुली जिसको आपने भेजा है तभी उसका एक ट्रांजेक्शन ID देता है। मान लीजिए आपने 100 रुपये भेजा है और साइबर कैफे वाले भी अच्छा है उसने भेज दिया, लेकिन वो ट्रांजेक्शन गया नहीं, इंटरनेट है यार, कभी भी खराब हो सकता है या डाउन हो सकता है, सर्वर डाउन हो गया, वो बीच में रुक गया, इसका भी पैसा कट गया। लेकिन क्या होता है, जब भी पैसा कट जाता है जिनकी भी अकाउंट है आपको पता है, 2-3 दिन के अंदर वो वापस आ जाता है, गूगल पे फोन पे वगैरह में होता है, हमारा होता ही रहता है, ठीक है। तो ये 100 रुपये उसको वापस आ गया, जहाँ पहुँचना था आर्मी नेवी और एयरफोर्स, जहाँ भी अपने SSC में अप्लाई किया वहाँ पहुँचा नहीं है पैसा, पैसा क्या है बीच में से कट गया, जो ओरिजिनल क्लाइंट जिन्होंने भेजा था उनके पास आ गया, आपकी फॉर्म चला गया लेकिन आपका ड्राफ्ट और चला ये दोनों नहीं पहुँचा, तो आपकी फॉर्म हो गया रिजेक्ट, समझ गए गाइस। तो इसको भी आपने प्रियोरिटी पे ध्यान देना है। उसके बाद चलेंगे कहाँ, फ्रेंड सजेशन, ठीक है, फ्रेंड सजेशन ये सबसे बड़ा गलती है। फ्रेंड सजेशन में क्या आएगा पता है, इसने बोल दिया आप मेरा एक फ्रेंड है, उसने बोल दिया फोटो है ना, इसको ना ऐसे टेढ़ा करके डाल दे, बोला हो जाता है, आपने भी क्या किया उसके हिसाब से टेढ़ा करके डाल दिया, उसमें आपका भी हो गया, लेकिन क्या हो गया उधर जाके रिजेक्ट हो गया। इसीलिए कोई किसी दोस्त ने बोल दिया उसको नहीं पूछना, ठीक है, आपने प्रोस्पेक्ट पढ़ना, आपको समझ में नहीं आएगा, जो टीचर से उनको पूछिए, कंसल्टेंट से पूछिए, जो एक्सपीरियंस है उनको पूछिए, जो सर्विस में है या उस रिगार्डिंग डील करते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उस चीज़ें सजेस्ट कर पाऊंगा। ऐसे फालतू दोस्तों से सजेशन मत लीजिए, आपके जो 1 साल की मेहनत है आपको पता है रैली कितना आ रहा है, 1 साल में 2 रैली आना अभी मुश्किल है, पहले हर 3 महीने में एक एक 2-2 रैली होता था। इस हिसाब से फ्रेंड्स की सजेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा ऑफिशियली साइट्स में जाइए, नहीं आता है जिनको पता है उनसे पूछिए, ठीक है, ये समझ गए आप। उसके बाद चले गए एक्स्ट्रा कॉपीज ऑब्लिक जेरोक्स। देखिए जब भी आप रैली में जाएंगे, जैसे आपका फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओके, आप क्या करना है, एक्स्ट्रा कॉपी मांगा है 20, आप लेके जाओगे 10, फिर उधर भागते रहोगे बाहर, मुझे जेरोक्स करना है सर, वो फिर गाली देता रहेगा आपको,
फिर आपको क्या करके टेम्पोरेरी रिजेक्ट दे देगा, फिर बोलेगा तो उधर एआरओ में लेके आना। गाइस ज़्यादा मतलब खिचड़ी नहीं पकाना, उधर ज़्यादा क्या करना, काम आराम से चलना है तो उसको चलने देना है। अगर आपको मांगा है कि आपके जो टेंथ के सर्टिफिकेट का हमारे को 30 जेरेक्स कॉपी चाहिए तो प्लीज़ 40 लेके जाओ। फोटो चाहिए आपको 35 तो कभी भी 35 फोटो लेके नहीं जाना, ठीक है। क्या करना आपने इधर 45 फोटो लेके जाना। यार फोटो आपका कोई ख़राब हो रहा है क्या, शादी में देना है क्या फोटो, पासपोर्ट फोटो कौन देता है शादी में। तो इसीलिए फोटो थोड़ा ज़्यादा लेके जाना है ताकि आपके पास भी वो फोटो रह जाएगा, बाद में काम आ जाएगा, ठीक है। आपने कौन सी उसको फोटो को वेस्ट हो जाएगा, फोटो तो वेस्ट हो गया नहीं, 10 आपके पास रह जाएगा, जेरेक्स से आपके पास काम आ जाएगा। आगे बहुत डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जिस दिन आप ट्रेनिंग सेंटर में डिस्पैच होगे उस दिन भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारे जिंदगी भर आपका डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए। तो आपने क्या करना, एक्स्ट्रा कॉपीज हमेशा रखना है अपने हाथ में, 10-5 ऐसे रखना है, ठीक है, समझ गए। हर चीज़ का, ये नहीं कि सर्टिफिकेट का कल लिया सामने बताया था, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फादर के आधार कार्ड, मदर के पैन कार्ड, मदर के आधार कार्ड, फोटोज, फादर के फोटोज, मदर के फोटोज, सारी चीज़ चाहिए होता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कॉपीज रखना है। उसके बाद रेस्पेक्ट योर हार्ड वर्क एंड क्या होता है, फादर्स पेरेंट्स सैक्रिफाइस। ये गाइस बहुत ही बड़ा मतलब पॉइंट है कि आपने एक साल में 6 महीने बहुत मेहनत किया यार, ग्राउंड में बहुत पसीना बनाया, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता आपको, ठीक है। मुझे पता है कितना मेहनत लगता है और मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं, ना आपको बताने की मुझे ज़रूरत है। मैं महसूस कर सकता हूँ, जो भी एस्पिरेंट है जॉब के साथ पढ़ रहे हैं, कोई मतलब हॉस्टल में जाके पढ़ाई कर रहा है, किसी का जूते फटा हुआ है, कोई बाहर पिकनिक नहीं जा पा रहा है, आई नो योर स्ट्रगल। लेकिन क्या होता है गाइस, आपके जो स्ट्रगल है ना, जो ऊपर बैठा है, वो चीज़ें नहीं समझ में आता है आपको, आपने कितना स्ट्रगल किया, आप किस परिवार से आते हो, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। 50 लाख का एप्लीकेशन आया है, उसमें 50,000 सिलेक्ट करना है, इतना टाइम नहीं होता है कि आपको फ़ोन करके बुलाया जाए। तो आपने क्या करना, आपने जो हर वक्त किया ना, थोड़ी सी और मेहनत करके इसको ध्यान से पढ़ना है गाइस, और ध्यान से भरना है इसको। ऐसे नहीं कि कुछ भी भर दिया, आपने जो सपने सजाए 6 महीना 7 महीना मेहनत किया, इस गलती की वजह से, ओवरराइटिंग की वजह से आपका पूरा ये रिजेक्ट हो गया, या फिर आपने अटेस्टेड की वजह से पूरा रिजेक्ट हो गया, आप एग्जाम दे ही नहीं पाओगे, तो आप खुद को क्या प्रूफ करोगे, ठीक है। तो आपने क्या करना, आप अपने बारे में सोचना है, थोड़ा सा इनको टाइम देना है। ये लगता है कोई इसके बारे में बात नहीं करता, लेकिन ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे पास 2 कॉल आए, एक गोपालपुर से आया एक लड़के का, जो जा रहा था आर्मी GD अग्निवीर देने के लिए, उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया और वो जा नहीं पाया। दूसरी बात, मैंने YouTube में ना एक लड़की देखा था, काफ़ी वो वायरल हुआ था वीडियो, आप लोगों ने देखा या नहीं, 5 मिनट लेट पहुंचा था वो गेट पे, शायद JEE या ऐसे कुछ थे वो मैम, 5 मिनट पहले रो रो के राजस्थान का, लेकिन उनको एंट्री नहीं किया जाएगा। रूल्स आर रूल्स, यू हैव टू फॉलो द रूल्स, ठीक है। आप एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, आप वर्दी पहनने जा रहे हैं, एक प्रेस्टिजियस वर्दी, तो उस हिसाब से आपकी जो एटीट्यूड उसी हिसाब से होना चाहिए, आपके फॉर्म फिलअप भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, फौजी जैसा एक सोल्जर जैसा आपकी फॉर्म फिलअप भी होना चाहिए। आई होप इस वीडियो में गाइज आपको वैल्यू मिला होगा, अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करना, क्योंकि ताकि इनकी गलती की वजह से, छोटा सा गलती की वजह से उनकी लाइफ बर्बाद ना हो, उनके फॉर्म रिजेक्ट ना हो, बहुत दर्द होता है यार। एंड